नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है मैथ का, बहुत बेसिक क्लास, वो भी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए। चाहे आप एएलपी फॉर्म फिलअप किए हों, चाहे आप जो टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप किए हों, या फिर आने वाला आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम से नोटिफिकेशन है, उनके लिए भी ये क्लास जो है रामबाण जो है सिद्ध होगा। बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा, सिंप्लीफिकेशन आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक पहले क्लास होगा, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है आपके हाई लेवल क्वेश्चन तक भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास को। बेसिक क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो बेहद जो है इम्पोर्टेंट होंगे, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या पॉइंट में, कि एक्स अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, एन टू अंडर रूट एक्स है। ये कहाँ तक जाएगा? अगर ये जाएगा कहाँ तक? एन तक जाएगा। एन तक अगर रिपीट होगा, ये एन तक है ना, फिक्स है ये कि एन तक ले, दो भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, पंद्रह भी हो सकता है। अगर वहाँ तक जा कर के फिक्स अगर हो जाता है, तो यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, x दिख रहा है ना, आप कौन सा नंबर दिख रहा है, तो ये x दिख रहा है, x लिख देंगे, x का पावर जो है 2 डाल देंगे, x का पावर जो है 2 डाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका पावर जो है, n लिखेंगे। अब n क्या है? जितना बार नंबर जो है रिपीट करेगा, वही लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब डिवाइड कर देंगे किससे? ये 2 का पावर n है ना, इसी से जो है डिवाइड जो है कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? एक बार और, ये आपका एक जो नंबर रिपीट रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, का पावर जो है 2 लिखेंगे, और 2 का पावर जो है जितना बार ये नंबर रिपीट करेगा वो लिखेंगे, इसमें से एक घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? ये 2 का पावर जो n है ना, इसी से जो है डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अंडर रूट सेवन, ये फिक्स है ना, फिक्स है ये कि 3 times ये है। कौन सा नंबर रिपीट है? तो ये आपका 7 है, तो 7 सबसे पहले लिख लीजिए, का पावर जो है 2 डाल दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब जो है n के जगह पर क्या लिखें, ये जो 7 कितने टाइम्स रिपीट है, तो 3 times रिपीट है, 3 लिख कर देते हैं। उसके बाद -1 करना है ना, -1 इसी में कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 का पावर n से, मतलब 2 का पावर 3 से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। अरे 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 होता है ना, तो 8 हो जाएगा। एकदम बेसिक क्लास है ये, आज जो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके समझ में आएगा, और जो पहले स्टार्ट किए हुए हैं उनको तो और समझ में आएगा ही। तो ये क्या लिखें यहाँ पर? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 7 लिख देंगे, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे किससे? 8 से कर देंगे, ये आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, नहीं समझ में आया होगा है ना, देखते हैं हम लोग जो एक और एग्जांपल 3 लेकर चलते हैं। 3 हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 3, 4 times ले लिए, अब की बार 4 times लिया गया है, ये फिक्स है 4 times, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा नंबर रिपीट है? तो 3 है, 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पावर 2 देंगे हम लोग, देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जो n का मतलब जो है ये 3 कितने बार रिपीट है, तो 4 times रिपीट है, 4 बार रिपीट है, तो 4 कर देंगे, इसमें से एक हम लोग घटा देंगे और इसको डिवाइड मार देंगे किससे? ये आपका 2 का पावर n, मतलब कि 2 का पावर जो है कितना से, यहाँ पर 4 है ना n के जगह पर, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 को 4 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अरे 16 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर जो है 15 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 का मतलब जो है
16 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? बस यही सब आपको ध्यान में रखना है। ये जो है फर्स्ट जो है आपका जो पॉइंट था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके दिमाग में चला गया होगा, आप इसको कहीं पर लिख लेंगे। चलते हम लोग सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट जो है अंडर रूट एक्स और ये जो है कहाँ तक जा रहा है, ये जो है अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये? तो ये अनंत तक जा रहा है, मतलब कितना जाएगा कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, जब भी ऐसा मिले ये अनंत, ये जो है ये आपका जो है नहीं भी दिया हुआ हो, सिर्फ डॉट 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 किया हुआ हो, तो समझ जाइएगा ये जो है अनंत वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्स लिख देना है, मतलब जो संख्या जो है जो नंबर रिपीट कर रहा है बस उसी को जो है टिक आउट कर देना है। देखिए कैसे जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बनते हैं। अंडर रूट जो है 5 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ये आपका इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है फ्रेम होता है। अब बताना है कि निकालना है कि आपको जो है वैल्यू क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 5 लिख देना है, काम हो जाएगा। एक और जो है देख लेते हैं, इसी तरह से जो है अगर अंडर 11 हो, अंडर है ना, अंडर रूट 11 हो, मतलब इस तरह से आपको जो देखने को मिलेगा, इस तरीके से जो है आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, तो डरिएगा नहीं, आपको क्या करना है 11 लिख देना है, काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स जो है प्लस जो है अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस जो है अंडर रूट एक्स है ना, ये जो है कहाँ तक जाएगा, ये जो इन्फिनिटिव तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये प्लस वाला आ गया। अभी तक क्या देखे थे, सिर्फ इनटू वाला देखे थे, मल्टीप्लाई वाला देखे थे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्स का जो है ना, एक्स के फैक्टर का जो है ग्रेटर नंबर आपको लेना है। क्या लेना है, ग्रेटर नंबर ले एक्स के फैक्टर, मतलब इस जो है जो नंबर जो रिपीट होगा उसका आप फैक्टर निकालेंगे और उसका जो है ग्रेटर नंबर जो है बड़ा वाला नंबर ले लेना है, काम हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। ये अंडर रूट क्या है, ये 10 है आपका, और प्लस अंडर रूट 10 है, प्लस अंडर रूट 10 है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव दे जाएगा। अब देखिए प्लस रहेगा तब, अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है आपको। इसका फैक्टर कितना होगा, इसका फैक्टर जो है 2 होता है और इसका जो है 5 होता है। बहुतों को फैक्टर नहीं पता होता है, मल्टीपल नहीं पता होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए 12 का फैक्टर आपको निकालना हो, मतलब वैसी संख्या जो 12 को जो है पूरी तरीके से काट दे, तो इसका फैक्टर 1 जो है पूरी तरह से काट देगा, 2 कर दे काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा और जो है 12 काट देगा। ये सभी जो है आपके दिख रहे हैं ना, ये सभी जो है 12 के फैक्टर हुए। और मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल जो है, मल्टीपल बहुत की ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इसका क्या होता है, तो मल्टीपल जो है इसका मल्टीपल करते चले जाना है, मतलब कि गुणात्मक इसका करते चले जाना है। 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, मतलब कि 12 का जो टेबल चल रहा है ना वो आपका मल्टीपल ही है। समझ में आ गया मल्टीपल फैक्टर। तो ये आपका जो है क्या है, 10 का क्या निकाले हैं हम लोग, फैक्टर निकाले हैं। तो प्लस जब भी रहेगा तो बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, तो ये आपका 5 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन जो है फ्रेम करते हैं हम लोग है ना, 6 को करते हैं। अंडर रूट 6 हो गया, प्लस अंडर रूट सिक्स, ये आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। इन्फिनिटिव का ये आपको साइन मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, सिर्फ ऐसे डॉट डॉट किया हुआ रहेगा, तब भी समझिएगा कि ये आपका इसी क्वेश्चन का जो है डुप्लीकेट किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले फैक्टर करते हैं, 2 गुना कितना होता है, 3 होता है, 6 होता है ना, तो इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो बड़ा फैक्टर आपका जो है 3 दिख रहा ना, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब तक मैंने सिर्फ 3 पॉइंट सिर्फ रखा है ना, एक जो इससे पहले था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, एक और चलते हैं इसी टाइप का, माइनस वाला देखते।
नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, जो सुनिएगा ध्यान से, कि आपको 120 दिन जो है मेरे साथ चलना है। आज है फर्स्ट डे, मैथ का फर्स्ट डे, आपको रीजनिंग भी दिया जाएगा, आपको करंट भी दिया जाएगा और आपको जो है जीके जीएस भी दिया जाएगा। फर्स्ट डे आज रहेगा, ध्यान से देखिएगा, नोट्स कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपको लगेगा तो आप नोट्स कीजिएगा, रिविज़न में आपको जो है काम वो देगा। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट अब की बार देखते हैं हम लोग, माइनस वाला देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, माइनस वाला देखते हैं। अगर लिखा हुआ रहेगा कि अंडर रूट एक्स हो गया, माइनस है अंडर रूट एक्स, माइनस अंडर रूट एक्स, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना, इन्फिनिटी तक ले देखने को मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसमें क्या करना है आपको जो है, एक्स के फैक्टर का जो है, है ना, लोवेस्ट जो है लेना है, है ना, लोवेस्ट नंबर लेना है। देखिए कैसे, एग्जांपल में लिया जाएगा कितना 12 लिया जाता है, माइनस 12, है ना, और उसके बाद जो है माइनस 12 अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है, फिर से इसको फ्रेम कर लेते हैं, अंडर रूट जो है 12 हो गया, माइनस अंडर रूट 12, इस तरीके से जो है आपको जो इन्फिनिटी तो देखने को मिलेगा। तो इसका फैक्टर निकालिए, फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 4 होता है। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा दिख रहा है, तो ये आपको जो है 3 दिख रहा है ना, ये लोवेस्ट जो है फैक्टर है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। जब आपसे माइनस वाला पूछेगा तो लोवेस्ट, और जब आपसे है ना प्लस वाला पूछेगा तो ग्रेटेस्ट कर दीजिएगा। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल चलते हैं, लिखते हैं हम लोग जो है 15 लिखते हैं, 15 हो गया माइनस 15 हो गया अंडर रूट, है ना, कहाँ तक जाएगा, ये जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, सिर्फ माइनस वाला पूछा है ना, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ 3, 5 जा 15 होता है ना, लोवेस्ट कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, यही आपका जो है आंसर जो है हो जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर देखते हैं हम लोग, एक सीरीज रूल है। क्या है ये सीरीज जो है रूल है आपका, सीरीज रूल है। सीरीज रूल क्या होता है, बहुत जल्दी जो है हम लोग इसको देखेंगे, सीरीज रूल जो है ये क्या होता है। सीरीज रूल जो है वन बाय डिफरेंट, इसका जो है फॉर्मूला है कि 1 बाय डिफरेंट इंटू जो है फर्स्ट माइनस जो है लास्ट करना है। क्या करना है, ये 1 बाय डिफरेंट का, डिफरेंट का मतलब होता है अंतर होता है, है ना, दो नंबर के बीच में जो अंतर होगा वो लेंगे यहाँ पर, और इंटू जो है पहली संख्या माइनस जो है लास्ट संख्या को यहाँ पर इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से मैंने बताया है, है ना, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि एक्स इक्वल टू जो है 1 बाय 1 इंटू 2 है, है ना, प्लस जो है 1 बाय 2 इंटू 3 है, प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 है, प्लस जो है 1 बाय 4 इंटू 5 है, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 1 बाय 10 इंटू 11 है। तो आपको जो है इसका आंसर बताना है कि कैसे होगा, इसी को बोलते हैं सीरीज रूल बोलते हैं। देखिए लगातार आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद जो है 10, 11 तक ले। तो क्या करना है, तो 1 बाय डिफरेंट कितना का है, देखो तो दो नंबर में कितना का डिफरेंट है, कितना का डिफरेंट, अंतर कितना का है, अंतर कितना का, एक का अंतर दिख रहा है ना, एक का अंतर दिख रहा है, एक लिख देंगे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद है ना, फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर है, ये देखिए आपका ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर है, क्या है, फर्स्ट नंबर। और लास्ट नंबर कौन सा है, तो ये लास्ट जो है 1 बाय 11 जो है ये लास्ट है। इसको जो है अगर अलग अलग किया जाए, तो इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1 बाय 1 कर सकते हैं और प्लस 1 बाय 2 कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर यही ना हो गया, उसी तरह उसको कर सकते हैं। तो लास्ट कौन सा दिख रहा है, 1 बाय 11 जो है वहाँ पर हो जाएगा, तो 1 बाय 11। तो पहले हम लोग लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये जो है लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा, 1 बाय 1 कर देंगे, माइनस है ना, माइनस या फार्मूला में है, उसके बाद लास्ट कौन सा, 1 बाय
11 कर देंगे, कर देंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 का कोई तो मतलब रहता नहीं है, है ना। 11 में से हम लोग 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और नीचे जो है 11 हो जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व किए आपका जो है 10/11 निकल कर आ गया, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन चलते हैं, जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर दिया हुआ इस तरीके से 1/3 × 5 है, क्या दिख रहा है 3 × 5 दिया हुआ ना, दिया हुआ, उसके बाद प्लस जो है 5 × कितना जो है 7 दिया हुआ है, प्लस 1/7 × 9 है, प्लस है ना, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 1/18 × 20 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको करना है वही कि 1/डिफरेंट, डिफरेंट कितना का दिख रहा है, दिख रहा कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है, कितना का अंतर दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। इनटू फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा दिख रहा है, ये फर्स्ट आपको जो है ये फर्स्ट नंबर है, लास्ट कौन सा है, तो 1/20 है ना, तो फर्स्ट कौन सा है 1/3 कर देंगे और माइनस लास्ट कर देंगे 1/20 कर देंगे। आप सॉल्व कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये आपका कितना 20 / 60 हो जाता है, ये 20 / 60 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 3 × 3 = 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा और ये आपका 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना, इनटू का साइन यहाँ पर है ना, 17/60 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा, 17/120 निकल करके आ जाएगा। मतलब कितना डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस 2 का भी डिफरेंस हो सकता है, 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, 5 का भी डिफरेंस हो सकता है, तो डिफरेंस पर आप फोकस कीजिएगा, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बेसिस भी आपके क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, पूछे जाते हैं, तो कुछ फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, फॉर्मूला बेस्ड जो है ये क्वेश्चन होगा आपका, फॉर्मूला जो है बेस्ड, है ना, फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो कुछ कौन कौन सा फार्मूला है, कुछ फार्मूले हैं ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट फार्मूला है, आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, a + b² क्या होता है, a² + b² जो है 2ab इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेकेंड नंबर देखते हैं, a - b² क्या होता है, है ना, a² + b² - 2ab। अभी इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो मैं फार्मूला करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, मैं वो बताऊँगा आप लोगों को। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की फार्मूला क्या है, a² - b² होता है, a + b (a - b) होता है, क्या होता है, a + b (a - b) होता है। फोर्थ नंबर क्या होता है, फोर्थ नंबर में है कि a जो है ना aq + bq का फार्मूला क्या होगा, होता है a + b है ना (a²-ab + b²) होता है। अगर फाइव नंबर चला जाए, aq - bq का फार्मूला बताना है, तो a - b करेंगे, क्योंकि माइनस पूछा इसलिए माइनस, या प्लस पूछा इसलिए प्लस, यहाँ पर किए थे और बाद में यहाँ पर माइनस आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, a² + ab और प्लस जो है b² हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग, है ना, सिक्स नंबर चलते हैं, a + b का होल क्यूब कर देंगे, है ना, a + b का होल क्यूब होता है, a³ + bq और +3ab (a+b) बहुत ध्यान से रखिएगा, सब फार्मूला को यूज होगा, है ना, तो इसलिए भुलाइए नहींगा। उसके बाद जो है a - b का होल क्यूब कितना होता है, aq - bq - bq लिखा हुआ है, bq - 3ab (a - b) होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत फार्मूला में, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। चलते एट नंबर फार्मूला, क्वेश्चन किया जाएगा इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है किया जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका जो है
ए क्यू है ना प्लस जो है बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, बार बार जो है इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिला हुआ है प्रीवियस ईयर में। ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अगर इसको जीरो कर दिया जाए, किसको, इसको अगर जीरो कर दिया जाए है ना, ए प्लस बी प्लस सी को अगर जीरो कर दिया जाए तो एक और फार्मूला यहाँ पर बन जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है बंधु है ना, ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू हो गया और प्लस जो है सी क्यू हो गया बराबर जो है, अब ये जीरो मतलब कि ये जीरो, अरे जीरो इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो सबको जीरो कर देता है ना, सबको जीरो करता है मतलब ये जीरो, तो ये भी टोटल जीरो हो जाएगा है ना। तो अब ये माइनस 3ABC उधर जाएगा तो प्लस 3ABC हो जाएगा, ये प्लस जो है 3ABC लिख दिए, प्लस जो है छिपा हुआ है। ये जो एक नया फार्मूला जो है फ्रेम होता है कब, जब ए प्लस बी प्लस सी अगर इसमें अगर जीरो होता है दिया हुआ होता है तो एक नया फार्मूला फ्रेम होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आप जल्दी से इसको उतार लेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन पर, कैसे क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग जो है होते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम किया हुआ है इस तरह से, क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। देखिए 0.35 है इंटू 0.35 माइनस 0.34 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय 69 है, और जो पहली बार देख रहे हैं उसकी तो हवा नहीं लगेगी क्वेश्चन जो है किस तरीके से है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, कैसे देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये आपका जो है 0.35 इंटू 0.35, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर है मतलब कि ए को दो बार जो है मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 0.34 इंटू 0.34 है, दोनों जो है ये आपका बी मान लेते हैं, बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, करके देखते हैं डिवाइड बाई ये है, ये जो है किससे कटेगा देख लेते हैं ऊपर में। अब लोग इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं हम लोग ए और बी को ऐड करना है ना, इसको और इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे ए को तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और पॉइंट जो है ये आपका 0 जो है रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। एक और ब्रैकेट है ना ए माइनस बी का, आपकी बार घटा देंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट जो है जो 0 है वो रहेगा ही आपका हो जाएगा, नीचे कितना है 69, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपको जो है, ये देखिए पॉइंट यहाँ से हटता है, नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो नीचे आपका जो है ना 1 लिखकर 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 नंबर के जो है बाद जो है क्या है पॉइंट है, इसलिए जो है 1 लिख करके 2 0 नीचे रख देंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे 2 डिजिट के बाद है, 1 लिख कर 2 डिजिट जो है 2 0 बैठा देंगे, हो गया काम। अब ये 69 खाली दिख रहा है, ये 69 खाली दिख रहा है, काट सकते हैं काट देंगे। अब जो है क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ऊपर दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, 1 रख देंगे। उसके बाद नीचे कितना 0 है, ये 2 0 2 0 4 0 है। अब जैसे हटाए थे वैसी फिर से लगा दीजिए, जैसे हटाए थे वैसी लगा दीजिए है ना, 2 0 2 0 4 जो है नंबर के बाद जो है पॉइंट बैठा दीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, पॉइंट बैठा दीजिए, हो गया आपका काम जो है, ये आपका जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया, मतलब कि हटाए थे है ना सुविधा के लिए ताकि काट सके, उसके बाद जो है लास्ट में लगा दिए आप जो है, 4 × 0 था, 4 नंबर के बाद जो है काउंटिंग करके पॉइंट जो है लगा दिए, आंसर आ गया। इसी फार्मूला बेस्ड पर ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो पहचानना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा जो है, अब ये चीज़ कब आएगा, जब आप बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, बार बार बनाते रहिएगा, तब ये जो है आपके जो है जहन में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिख रहा है आपको कौन सा फार्मूला पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, 0.07 इंटू 0.07 इंटू, मतलब ये क्या दिख रहा है, 3 बार रिपीट है, ये मतलब कि ए क्यू है,
तीन बार रिपीट है, ए क्यू है, इस फॉर्मूला पर जो है आपका दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, मैंने पीछे करवाया ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बार बार बनाते जाइएगा तो फॉर्मूला भी आपका याद हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, ये टोटली आपका जो है बी क्यूब है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। अब नीचे क्या है, ये आपका ए स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ये जो है ए स्क्वायर है, ये क्या है, ये ध्यान दीजिए क्या है, ये ए बी है, और ये क्या है, ये जो है बी स्क्वायर है, मतलब ये वाला टर्म जो है नीचे दिया हुआ है, ये वाला टर्म नीचे दिया हुआ है, मतलब ये वाला टर्म तो कट जाएगा, बच क्या गया, ये वाला टर्म बच जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म जो है आपका बच जाएगा, क्योंकि जब इसको जो है, इसको ऊपर वाले को जब इस रूप में जो है कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस रूप में, तो ये वाला जो ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला सेम टू सेवन है, ये वाला ऊपर वाला रहेगा और नीचे जो है ये वाला सेम टू सेम रहेगा, दोनों ये आपका कट जाएगा, ये भी टोटल कट जाएगा और ये भी ऊपर जो ऊपर आएगा तो ये भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा, ये ए ये है और बी ये है, क्या करना माइनस कर देना है, क्या करना है 0.07 कर देंगे और माइनस कर देंगे 0.05, बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना था, देखना था कौन सा कट जाएगा, है ना, तो इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया ये कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दो क्वेश्चन और चल, देखिए दो क्वेश्चन जो और आपको दिख रहा है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका 73 × 73 × 42 × 42 माइनस जो है 2 × 73 × 42, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला दिख रहा है a माइनस जो है b का होल स्क्वायर दिख रहा है। देखिए कैसे ए स्क्वायर जो है प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला जो है यहाँ पर दिख रहा है, कैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 73 × 73 ए स्क्वायर है, 42 × 42 बी स्क्वायर है, और माइनस तो माइनस 2ab 2 × a, ए की जगह 73 और b की जगह पर 42 लिखा हुआ है, ये आपका टोटल क्या है, ये 2ab है बंधु, क्या करना है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है, a कितना है 73 है, माइनस b कितना है 42 है, अब जो घटेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 4 में से 3 है ना, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 31 का स्क्वायर जो है करना है, स्क्वायर भी करने के लिए आपको आना चाहिए, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, स्क्वायर भी आप सीख लीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद क्या करना है आपको जो है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 कर देंगे, उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है, आया कुछ कुछ समझ में, नहीं आया होगा, देखिए ध्यान से स्क्वायर सीख ही लीजिए आप जो है यहाँ पर करे किया है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर किए हुए हैं 31 का, देखिए यहाँ पर सीख लीजिए कैसे है ना, आगे कोई भी नंबर होगा स्क्वायर आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर का ट्रिक जो है मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, किसके लिए तो स्क्वायर के लिए है ना, स्क्वायर के लिए, इसको इरेज करके इसको बताएंगे अभी क्वेश्चन को, देखिए स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, पहले इसका जो है यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके बाद जो है सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब कि 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद जो है जो नंबर लास्ट में है इसका भी आप जो स्क्वायर कर देंगे, मतलब लास्ट का स्क्वायर और जो है जो बीच में है उसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, उसके बाद जो है लास्ट वाला का जो है स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है, ये हो जाएगा, अरे ये फार्मूला इस पर हुआ है, किस पर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस जो है बी स्क्वायर, सॉरी 2ab जो है ना, 2ab आपका हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस पर टूटा हुआ है, कैसे ध्यान दीजिएगा है ना, बी स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2ab 2ab मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 × 3 × 1 किया हुआ 6 हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 हो जाएगा, इस पर जो है आपका टूटा हुआ है ना, एक और देख लेते हैं है ना, 35 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा स्क्वायर करने के लिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 25 हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ 1 रखना, हमको 1 डिजिट रखना है यहाँ पर, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको जो है आगे भेज देंगे, देखते हैं हम लोग है ना, उसके बाद जो है 2ab करते हैं है ना, 2 × 5 = 10 हो गए, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद जो है उसके बाद देखते हैं है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आया है ना, अब जो है सिर्फ जो है सजा देना है आपको,
5 जो है यूनिट में रखेंगे, उसके बाद 2 बचा हुआ 2 इसको दे देंगे, हो जाएगा 32। 32 का यहाँ पर कितना दे देंगे 2 आ जाएगा, इसका बचेगा 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 1225 निकल करके आ गया। इस तरीके से आप जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। सिर्फ जो है आपको ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर जो रखिएगा काम हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं और चलते हैं इस पर जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर कितना था, ये आपका 961 जो है आंसर था। इसको इरेज करते हैं, है ना, बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर का ट्रिक हो गया, क्यूब का ट्रिक हो गया, जैसे जैसे जो है आपके क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा फार्मूला का यूज है, दिख रहा है आपको कौन सा फार्मूला का यूज है, ये फार्मूला का यूज आपका जो है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड का है। ये देखते हैं हम लोग जो है 0.89 है, तो ए क्यू तो दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस का साइन है, और ये जो है बी क्यू दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो है क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो है क्या होता है, होता है ए माइनस बी इंटू जो है ए स्क्वायर जो है प्लस ए बी और प्लस जो है बी स्क्वायर, यही ना होता है। बस जो है आपको यहाँ अब नीचे क्या दिख रहा है, नीचे कटना वाला टर्म होगा जो कि ऊपर वाले से कट जाएगा, और जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, तो ये ए स्क्वायर है, ये क्या दिख रहा है, तो ए बी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो बी स्क्वायर दिख रहा है। ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर आएगा ना, तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, ए माइनस बी कर देंगे, मतलब कि 0.89 कर देंगे और माइनस कर देंगे 0.64 कर देंगे। 9 में से जो है 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो गया, 8 में 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0.25 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो है कि आज का क्लास जो है मतलब बेसिक से एकदम चले हैं, सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबको लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सबको लेकर चलेंगे। और ये क्लास जो है आज जो है फर्स्ट क्लास है, सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, फोर्थ चलेगा, जितनी भी चलेंगे इम्पोर्टेंट होंगे, आप जो है उसको नोट डाउन करके रखेंगे। रिवीजन के समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो है रोल प्ले करेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।